अस्सलाम वालेकुम, सिटी 5 न्यूज़ के साथ मैं अमरश की खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन में दरीना दुश्मनी पर सतसरा चौक में कार पर मुसल्ला अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, इलाका में शदीद फायरिंग से खौफ हराज फैल गया। डीपीओ पुलिस की भारी नफरी के अमरा मौका पर पहुँच गए। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की इस रिपोर्ट में। अब खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर बासर जमींदार का काम करने से इनकार पर गरीब खानदान का जुर्म बन गया। दीपालपुर काम से इनकार पर जालिम जमींदार का गरीब लड़के पर बेईमाना तशद्दुद, टांगे तोड़ डाली। दीपालपुर गरीब नौजवान नवीद अहमद शदीद जख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल मुंतकिल। गरीब खानदान के वर्सा का एहतजाज, मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां सजाद बोदला की इस रिपोर्ट में। पहले भी साड़ी थोड़ी जी ताकि साड़ी खास मतलब सर्दी से पहले जो पहला फसल मार रहा है जो मार रहे हैं मजदूर हैं ये जिम्मेदार बन गए। फिर राणा निसार पिस्टल लैके आप चला गया मौके से उसे पुत फोन किया भी मैं कर दिता है जरा करना तो तू जल्दी आ जाओ। हथियार लैके फिर मौके से चला गया असं बाद मुंडा चाहिए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। फायरिंग से नौजवान जख्मी, बीवी अगवा। नवाही गांव जबोका में 5 साल से कबल पसंद की शादी करने की रंजिश पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। खालिद नामी नौजवान को उसकी बीवी के भाइयों ने फायरिंग करके मजरूब कर दिया और जख्मी नौजवान की बीवी को अगवा करके ले गए। मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई, कार्रवाई शुरू। मुतासर खानदान का DPO उकाड़ा जहाँ से नजीर खान से नोटिस का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के इलाका हनड़पुरा की जामे मस्जिद उस्मानिया में यौमे अमामे अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पीर इलामा मौलाना पीर अजमल कादरी और इलामा मौलाना तैयब आलम मदनी समेत उल्मा और मुशाय के उदेदारान और आशकाने रसूल की किसी तादाद ने शिरकत की। यौमे रजा कॉन्फ्रेंस में हमदो सना कारी आशिक सैन और अनवाद चिश्ती अबू बकर अतारी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉन्फ्रेंस के शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। मरकजी रहमा जमीयत उलमा पाकिस्तान इंजीनियर हाफिज मोहम्मद तौकीर मदनी और साबिक सदर मिलाद कमेटी हंटरपुरा हाफिज मोहम्मद शाहद कटाना की क्यादत में मुनक्कद की जाने वाली कॉन्फ्रेंस की सदारत और सदर मिलाद कमेटी हंटरपुरा कारी मुबारक अली कादरी ने की, जबकि ज़िलाई सदर उलमाए मशाब कारी अलामा रियाज अहमद सदीकी ने सर अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस में खसूसी खिताब करते हुए अलामा मौलाना पीर अजमल कादरी ने शिरका को तलकीन की कि वो अल्लाह ताला और इसके रसूल के दीन को मजबूती से थाम कर रखें और आपस में तफरका न डालें। उन्होंने कहा कि जश्न ईद मिलादुन नबी की विलादत व सादत की खुशी में अपने वालहाना मोहब्बत अकीदत का नजराना पेश करते हुए आका दो जहां रहमतुल्लाह आलमीन मोहम्मद की शान अकदस में दुरूद सलाम की कसरत से पढ़ें। अल्लामा मौलाना पीर अजमल कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुस्लिम उम्मा जिन मुश्किलात का शिकार है वो सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी ही के बायस है और अगर हम अपने दीन पर मुकम्मल अमल करें तो दुनिया व आखरत में कामयाबी व कामरानी माथे का झूमर बन सकती है। कॉन्फ्रेंस में अलामा मौलाना पीर अजमल कादरी ने मुल्क व कौम के सलामती के लिए के अलावा मकबूजा कश्मीर फलस्तीन समेत दीगर मुस्लिम ममालिक की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएँ की, जबकि ज़िलाई उलमाए मशाह के उहदे दौरान और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने नबी करीम की शान अकदस में दुरूद व सलाम पेश करने करके अपनी मोहब्बत अकीदत का नजराना भी पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़ सियाल। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द से। रिनाला खुर्द रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए स्कूल का तालब इलम ट्रेन की जद में आ गया। इलामा इकबाल ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी।
स्कूल के बच्चों को छुट्टी होने के बाद बच्चे फाटक क्रॉस कर रहे थे। ट्रेन की जिद में आकर जख्मी होने वाला 9 साल नवी जमात का तालिब इलम है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन सालाना मजलिस इज़ा व जुलूस शबिया तबौत बा सिलसिला शहादत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़ेर इंतज़ाम हाथू बरादरान इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद। मजलिस इज़ा से प्रोफेसर आबिद हुसैन आबदी और मौलाना इसहाक तराबी ने शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बयान की, जिसके बाद ताबूत मौलाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा शाहिद अली के घर से बरामद हुआ। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने नुआखानी और मातमदारी करते हुए जनाब सानी ज़ोरा सलामुल्लाह अलैहा कपूर साहब पेश किया। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हो गया। इस मौके पर अज़ादारान के लिए लंगर हुसैनी का भी इंतज़ाम किया गया। खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। कोटली आज़ाद कश्मीर दो रोज़ कबल जराई पेट्रोल पंप पर रात की तारीखी में होने वाले अंधे कत्ल का सराग लगाते हुए एस एच ओ राजा सिदाकत ने हमरा नफरी कतल को गिरफ्तार करके आला कतल 30 बोर पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर आज़ाद कश्मीर कोटली से बताते चले। कोटली आज़ाद कश्मीर दो रोज कबल जराई पेट्रोल पंप पर रात की तारीखी में होने वाले अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए एस एच ओ राजा सिदाकत ने हमरा नफरी कत्ल को गिरफ्तार करके कत्ल 30 बोर पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। दो रोज कबल जराई पेट्रोल पंप पर रात की तारीकी में कत्ल होने वाले शबीर वाल अयूब के आंधे कत्ल का पुलिस ने सुराग लगाकर कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। शबीर अपने दोस्त मजाहिद नामी शख्स के साथ मिसमात देख के घर मिलने गया। यहां पर घर वालों को लड़की के भागने की खबर होगी, जिस पर लड़की के चाचा जमील हुसैन और भाई मोहम्मद उस्मान ने मुजाहिद हुसैन का पीछा किया। जराई के मुकाम पर 30 बोर पिस्तौल से फायर किया, जिसकी वजह से फरार होने वाले दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिस पर मुजाहिद हुसैन मातरे अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए, जबकि सफीर गोली लगने से मौके पर जंबाक हो गया। जमील हुसैन और मोहम्मद उस्मान ने फरार होने वालों को तलाश किया मगर नाकाम वापस लौट गए। पुलिस ने इतला मिलते ही नाकाबंदी करते हुए दरिया किनारे से फरार होने वाले जोड़े को हिरासत में लिया और कत्ल में मुलव्वस दानू चाचा भतीजा मोहम्मद जमील हुसैन और मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल का चश्मदीद गवाह फरार होने वाला जोड़ा है, जो इस वक्त पुलिस नार की हिफाजत में है। फरार होने वाले मुजाहिद हुसैन और निस्मात रे ने साथियों को बताया कि वो आपस में शादी करना चाहते थे और मकतूल हमारी ख्वाहिश पर हमारी मदद कर रहा था। सर, ये जो ये कत्ल का वाकया हुआ है, इस हवाले से अपने असल वाकया क्या है, कि इस हवाले से आप बताएंगे आपके लोगों को। बिस्मिल्लाह रहमान, शुक्रिया नदीम साहब। जवाब है, मौका 26/10 को थाने पर मुझे इतलाह मिली है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जराई पेट्रोल पंप के पास। मैं और मेरी नफरी वहाँ पर पहुँचे। जी, हम पहुँचे वहाँ पर तकरीबन 2:20-2:25 का टाइम था, रात का वक्त था। तो तकरीबन एक नाश जो है ना एक पड़ी हुई थी और लग रहा था कि बंदा डेड हो चुका है। फिर हमने वो उसका जामा तराशी ली और उसकी जेब से उसका जो है ना नाम की तस्दीक हुई कि ये बंदा सफ़ीर है, वाल यूब ये डडयाल का रहने वाला है। फिर हमने उनके भजिया टेलीफोन जो दरगाह सच्चा उससे रब्ता किया, उनके वसा का नंबर लिया, तो वो उनके दफ्तर के वो आए। वो मौके पर वहाँ मोटरसाइकिल भी पड़े हुए थे, फोन भी पड़ा हुआ था। तो हमने डेड बॉडी को जो है ना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहाँ पर जो दूसरा मोटरसाइकिल था उसके साथ कोई एक लेडीज़ बुरका वगैरह भी और साथ जो था शूज़ वगैरह भी लेडीज़ के ऊपर पड़े हुए थे। तो हमने तस्दीक की कोई मामला लेडीज़ का है भाई, अगवा का है। उसके बाद जो मोटरसाइकिल था वो अंदा वो मुजाहिद नामी तस्दीक हुआ, जो मौके पर जो है ना वो नहीं था, वो कहीं भाग गया था। उसके बाद हमने जो बुरसा है उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल तो मुजाहिद है, जो मकतूल का दोस्त था। तो मुजाहिद
ہم ٹریس کیا ان کا لڑکی بھی تھی جس کا نام رخسار ہے، اس مجاہد نے جو ہے نا یہ لڑکی ڈڈیال سے اغوا کی تھی یا شادی کے لیے جو ہے نا یہ آپس میں کھیلنے جا رہا تھا، تو پیچھے جو ہے نا جو مقتول ٹیم ہے جو قاتل ہیں یہ جمیل اور اس معاملے میں موٹر سائیکل سے ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے جو ہم جرائی پہنچے تو جرائی کے مقام پر جو ہے نا جو مقتول کا موٹر سائیکل تھا اور جو مجاہد آپس میں ٹکرا گئے، ٹکرانے کے بعد یہ مجاہد جو لڑکی وہاں سے بھاگ گئے اور یہ سفیر آئے موقع پر ہی ادھر کھڑا رہا، جو یہ قاتل وہاں پر پہنچے یہ جمیل تو اس نے دیکھا کہ سفیر کھڑا ہے، اس نے سیدھا فائر کر دیا، یہ سفیر موقع پر ہی دمباک ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے جمیل اور عثمان نے لڑکی اور مجاہد کی تلاش کی وہ نہیں ملے، یہ واقعہ اب مقدمہ درج ہے، مجرمان ہمارے پاس گرفتار ہیں، ان سے اعلی قتل اور وقوع میں استعمال موٹر سائیکل جو ہے نا وہ کی برامگی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو سفیر ہے اس کو یہ شک کی بنا پر گولی ماری گئی ہے یا اصل پیچھا وہ مجاہد کا کر رہے تھے؟ بس یہ ساتھ تھا سفیر بھی، یہ سفیر جو ہے نا یہ جو مجاہد کا دوست تھا، اس کا کہنا ہے کہ قاتل دن میں موقع پر ہمیں جو بھی ملتا جو اس وقوع میں شامل تھا ہم اسے قتل کر دیتے۔ ابھی ان کے خلاف کاروائی، اب ان کے خلاف فیاض درج ہوئی ہے 302 میں، تو مزید تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ مزید حقائق آپ کے سامنے لائیں گے۔ جو ان سے آ رہا ہے قتل ہے 30 بور پسٹل اور جو موٹر سائیکل ہے وقوع میں استعمال وہ برامد ہو چکا ہے۔